हे लवलीज, कैसे हैं आप सब? थैंक्स अ लॉट इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। ऐसी प्यार हमेशा बनाए रखिए। जी हाँ, मुझे दुआओं में तो जरूर से याद रखिए। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई है कि आप हमें तुजा के बारे में बताइए, जिसे हम मोरपंखी भी कहते हैं। इसके सॉइल के बारे में, इसके प्रोपोगेशन कैसे करते हैं, इसका फर्टिलाइजर, और इसे कैसा टेम्परेचर पसंद है। तो चलिए जानते हैं आज एक नए पौधे के बारे में, इसका केयर कैसे करते हैं। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और इसके खूब सारे स्पीशीज आते हैं। इसके खूब सारे, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस प्लांट में छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन कोन्स लगे हैं। आप मन ही मन सोच रहे होंगे कि ये कोन क्या है। चलिए बॉस्टेलन, मैं आपको कोन के बारे में बताऊंगा। ये पौधा बहुत ही खूबसूरत है, बस थोड़ी सी बातों का ध्यान रखें तो ये बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। लेट्स नो वेयर टू कीप दिस प्लांट। अगर आप गर्म इलाके में रहते हैं तो इसे सेमी शेड में रखना ज़्यादा अच्छा है। जो ठंडे इलाके में रहते हैं वो इसे जहाँ ज़्यादा धूप मिले वहाँ रखें, पर हाँ 3 से 4 आवर्स की धूप ही काफ़ी है। आपने सुना होगा कि इसे ज़्यादा धूप मिलती है वहाँ रखने से इसमें बहुत अच्छा ग्रो करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ज़मीन में लगाएं तो भी 3 से 4 घंटे की धूप काफ़ी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस प्लांट को वाटर मॉडरेट चाहिए, सॉइल सॉगी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आप लोग को ज़्यादा वेट नहीं कराती, मैं आपको कोन्स के बारे में बताती हूँ। आप देख रहे हैं इसमें ग्रीन ग्रीन से कोन्स लगे हुए हैं। जी हाँ, जब ये कोन्स ब्राउन हो जाते हैं तो इनमें से ही सीड्स निकलते हैं। वो सीड्स हमें हेल्प करते हैं ताकि हम उससे दूसरा प्लांट प्रपोगेट कर सकें। अगर हम ध्यान रखें तो हम ये जब सूखते हैं, ब्राउन होते हैं, तो इससे इसकी सीड्स निकाल लें और इसे ज़मीन में या पॉट में लगा दें। पर अगर ध्यान ना दें तो इसके जो सीड्स हैं वो एयर में ही डिस्पर्स हो जाते हैं। आप सबको मैं आज एक सीड्स लगाने का रूल बताती हूँ। जितना सीड बड़ा है विड्थ एंड लेंथ वाइज, उतना 3 टाइम्स डीप में हम उसे लगाते हैं तो सीड्स की स्प्राउटिंग ज़्यादा अच्छे से होती है, चाहे वो गमले में हो या चाहे वो ज़मीन पे हो। चलिए जानते हैं इसे सॉइल कैसी पसंद है। जी हाँ, देख सकते हैं कितना खूबसूरत हरा भरा पौधा है ये। इस प्लांट को सॉइल सॉगी नहीं होनी चाहिए। अगर आप बारिश का पानी इसमें जमा हो रहा है तो उसे ड्रेन आउट करें, जो कि गमले को आप टेढ़ा करके कर सकते हैं। और अगर ज़मीन में लगाए हैं तो ध्यान दीजिए कि लो एरिया में नहीं होना चाहिए, वरना वहाँ की मिट्टी सॉगी हो जाएगी। और इस प्लांट को सॉगी मिट्टी ज़्यादा पसंद नहीं होनी चाहिए, बट हाँ, मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए। मॉडरेट वाटर इसके लिए काफ़ी है। आप इसे रोज पानी दें, देखिए ये पेड़ सूखे ना। आप एक बात का और ध्यान रखें, अगर आप इसे ओवर वाटर कर रहे हैं तो इसकी लीव्स डाउन होनी चालू हो जाएगी नीचे की तरफ से। और समर में इसे आप खूब अच्छे से पानी दीजिए, क्योंकि समर में बहुत ड्राई सीजन हो जाता है, तो इसे मॉइस्ट रहना ज़्यादा ज़रूरी है। फर्टिलाइज़र की बात करें तो साल में 2 बार ऑर्गेनिक खाद दें, जो कि गोबर खाद, कंपोस्ट और नीम खली हो। इसे फरवरी एंड सितंबर में फर्टिलाइज़र ज़रूर से दें। इट डोंट रिक्वायर मोर फर्टिलाइज़र। इसका कलर भी बहुत अच्छा लगता है। इसे घर में बहुत शुभ माना जाता है, जैसे मनी प्लांट, लकी बैम्बो, बट इसे पेयर में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और आप सबको ये जानना अच्छा लगेगा कि इसकी होम्योपैथिक दवाइयाँ भी बनती हैं। हाँ, इस प्लांट की मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये प्लांट्स कटिंग से भी लग जाता है, पेंसिल जितनी लंबी कटिंग लीजिए और उसे लगाइए मिट्टी में या अपने पॉट्स में, वहाँ पे ये जल्दी से स्प्राउट्स भी हो जाता है। इसके बीज को आप 5 साल तक, शेल्फ लाइफ रहती है, आप इसके बीज को 5 साल तक ड्राई एरिया में ज़रूर से रख सकते हैं। इस प्लांट की एक्सपेक्टेड लाइफ 15 to 20 years होती है। आइडियल लोकेशन फॉर प्लांटिंग इज स्पॉटेड इन कॉरिडोर्स, लिविंग रूम और कॉर्नर्स। डिज़ाइन यूज आर हेजिंग बॉर्डर एंड श्रबरी। इसका जो अरोमा होता है वो कैम्फरस और फ्रूटी होता है, और ये ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में ज़्यादा जाना जाता है।
थुजा सिट्रस फैमिली का कॉर्निफरस प्लांट है जो कि नोकदार दिखाई देता है। इनमें सीड्स एंड फ्लावर्स दोनों आते हैं। इसका थुजा ऑक्सीडेंटलिस नेम से ऑयल भी मिलता है जो कि वॉर्ड्स को हटाने में नेचुरल तरीके से हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है और ये जाना माना नाम है होम्योपैथिक दवाइयों में। क्या आपको पहले ये सब पता था? अगली बार थुजा लगाएं तो उसके बेनिफिट्स के बारे में ज़रूर से पढ़ें, जानें और दूसरों को भी बताएं, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। चलिए ये तो हमने जान लिया थुजा मोर पंखी के बारे में। अब कोई भी पौधा हो, अभी रेनी सीजन चल रहा है, उसमें इसका कोई भी प्लांट का प्रोपोगेशन जरूर से करें, क्योंकि जितना आप प्रकृति के करीब आएंगे प्रकृति आपके करीब आएगी। तो हर एक पौधे का अलग बेनिफिट होता है, अलग केयरिंग होती है, अलग उनका प्रोपोगेशन होता है। हर एक पौधा अपने आप में यूनिक होता है, उनको उसी हिसाब से रखें। और देखिए, आपका घर, आपका बाहर का बालकनी हो या गार्डन हो, हमेशा हरा भरा रहेगा। कहा गया है ना, प्रकृति हर हमेशा हरी भरी रहती है, वैसी ही ये आपकी जिंदगी को भी हरा भरा करती है। तो खूब सारे पौधे लगाइए इस रेनी सीजन, अपने घर और अपने जीवन में हमेशा हरियाली लाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें सब, और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। यह आपका अपना यूट्यूब चैनल है। आने वाले दिनों में मैं आप लोग के लिए खूब सारे और अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगी, और अगर आप लोग के कुछ पौधों को लेकर अलग से डिमांड है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर से बताएं। आप कोई भी पौधा अपने आसपास की नर्सरी से ज़रूर से खरीद सकते हैं, या कटिंग से भी लगा सकते हैं, सीड से भी लगा सकते हैं। प्लांटेशन करना बहुत अच्छा है, ये एक आप इसे अपनी हॉबी की तरह भी डेवलप कर सकते हैं। प्लांट को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा ज़रूर से बताइए, क्योंकि आप इसे जैसी जैसी वाइब्स देंगे वैसी वैसी ही प्लांट्स ग्रो होते हैं। येस आई मीन इट, आप पढ़िएगा ज़रूर से। प्लांट्स में जान होती है, इनमें भी एक ज़िंदगी होती है, तो इस ज़िंदगी को लगाइए और अपनी ज़िंदगी को भी खुशनुमा बनाइए। देखिए, हर जगह हरियाली ही हरियाली होती है। और आप सबको खूब सारा प्यार। आप अपने और मेरे चैनल को ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। Till then, bye!